हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 2G ऑफ न्यू एंजॉयिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड रिवाइज एडिशन फॉर क्लास 4th। सो ये आज मैं एक अलग तरीके से करा रहा हूँ। पहले मैं आप सभी को कराता होता हूँ कि लाइक नोटबुक पर, बट आज मैं डिजिटली करा रहा हूँ। सो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज बुक स्टोर नीड्स टू कीप 1500 कॉपीज ऑफ डिक्शनरी इन स्टॉक। इट प्रेजेंटली हैज 987 कॉपीज इन स्टॉक। हाउ मैनी मोर कॉपीज डज इट नीड टू रीच द नंबर ऑफ डिक्शनरीज इट नीड्स टू हैव। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो है 1500 और एक 987। सो हम कर देंगे माइनस, हमने कर दिया माइनस एंड हमारा आंसर आ गया 513। अब 513 को आपने जो भी आपका अननोन वाला है यानी जो खाली है उसमें फिल कर देना है 513। सो अब आगे है, अ लेगो सेट केम विद 325 पीसेस। कृति एडेड सम मोर पीसेस फ्रॉम हर प्रीवियस लेगो सेट टू द न्यू एंड शी नाउ हैज 402 पीसेस इन ऑल। हाउ मैनी पीसेस डिड शी एड टू इट। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 402 और 325 ये दोनों हमारे पास तो हैं, हमने बस इनको माइनस कर देना है। 402 में से माइनस कर देना 325 को एंड जब हम माइनस करेंगे आखिर में हमारा आंसर आ जाएगा 77। अब जो भी अननोन है यानी जो फिल नहीं किया हुआ है उस पर आपने फिल कर देना है 77, जो खाली वाला बॉक्स है। आगे थर्ड, ऑफ 1000 पीस जिग्सॉ पजल अमृता हैज फिटेड 807 पीसेस। हाउ मैनी मोर पीसेस आर नीडेड टू कंप्लीट द पजल। सो देखो, जो फिल कर देना सबसे पहले जो बड़ा वाला होगा उसमें 807 एंड जो ऊपर जाकर बन रहा है उसमें 1000। अब देखो 807 और 1000 ये दोनों है हमारे पास एंड हमने थर्ड नंबर फाइंड करना है। सो 1000 तो टोटल है एंड 807 जितने हो चुके हैं। सो वो फाइंड करने के लिए कि कितने नहीं हुए हैं उसके लिए हमें करना पड़ेगा माइनस। 1000 में हम अगर 807 माइनस कर देंगे बहुत ही ईजिली माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1000 में से कोई भी नंबर माइनस करो हमें हमारे दिमाग में ही पता चल जाता है कि क्या आंसर आने वाला है। सो इसका जब हम माइनस करेंगे हमारा जाएगा 193 एंड जो बॉक्स है, जो छोटे वाला बॉक्स है उसमें आपने लिख देना है 193। अब आगे, अ न्यूली लॉन्च्ड वेबसाइट वाज विजिटेड बाय 9875 पीपल ऑन इट्स फर्स्ट डे एंड 6532 पीपल ऑन द सेकेंड डे। हाउ मैनी मोर पीपल विजिटेड द वेबसाइट ऑन द फर्स्ट डे देन ऑन द सेकेंड डे। सो यहाँ पर दो तो ग्रीन हमारे जो नॉर्मल वाले हैं एंड नीचे है कि येलो वाला। येलो वाले के लिए हम जब ऊपर वाले दो को माइनस करेंगे तो येलो वाला निकल आएगा। सो जो बड़े वाला उसमें आ जाएगा 9875 जो कि फर्स्ट डे के विजिटर थे, और जो छोटे वाला उसमें आ जाएगा 6532 यानी 6532 जो कि सेकेंड डे के विजिटर थे। सो अब इन दोनों को माइनस करके येलो वाला बॉक्स हमने फिल कर देना है एंड 5 में से 2 के 3, 7 में से 3 4, 8 में से 5 3, 9 में से 6 3। सो हमारा आंसर आ जाएगा 3343। इसे हमने कर देना है फिल। फिफ्थ, अकीला हैज 543 स्टैम्प्स एंड हर अंकल गेव हर हिज कलेक्शन ऑफ 264 स्टैम्प्स। हाउ मेनी स्टैम्प्स डज शी हैव नाउ। सो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, 543 बड़े वाले में लिख देना है, क्योंकि जो अकेला के पास पहले थे वही वाले लिख देने हैं। ये इसलिए बिकॉज जो 543 है वो बड़ा नंबर है 264 से, और अब आप सभी को पता ही चल गया होगा कि दूसरे वाले में तो ऑफकोर्स 264 आएगा जो कि उसके अंकल ने दिए थे उसको। एंड टोटल स्टेम्स के लिए आप सभी को बनाना पड़ेगा ये शेप। ये शेप बनाने के बाद ऊपर आपको इन दोनों को प्लस कर लिख देना है 543 को 264 के साथ। सो 3 और 4 7, 4 और 6
10 आ जाएगा, 0 चला जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा कैरी होने को, 1 प्लस 5 प्लस 2 ये आ जाएगा 8, सो हमारा आंसर आ जाएगा 807। अब आगे है सिक्स्थ, अ पार्किंग लॉट कैन होल्ड मैनी कार्स, प्रेजेंटली 2090 कार्स आर पार्कड इन इट, देयर इज स्पेस फॉर 1632 मोर कार्स, हाउ मैनी कार्स कैन द पार्किंग लॉट होल्ड। सो जो ये पार्किंग लॉट है इसमें 2090 कार्स पार्क हो सकती है, सो वो तो हमारे टोटल वाला आ जाएगा जिसे हम वो वाली शेप बनाकर लिख देंगे। सो हमने टोटल वाला वहाँ पर लिख दिया, एंड जो दूसरा नंबर है 1632, अब देखो हमें इतना पता चल चुका है कि जो 1632 है वो बड़ा नंबर है, यानी दूसरे वाला तो ऑफकोर्स ही छोटा होगा क्योंकि बिल्कुल ही छोटा सा डिफरेंस है। अगर तो होता ये 1000 भी कम ही होता है वैसे तो, अगर 2000 कम से कम होता तो हम ज़रूर मान सकते थे। सो इसी कारण के लिए ये बहुत ही छोटा है, अगर उन दोनों में डिफरेंस होता 2000 तो हम मान लेते, बट जो बचा हुआ होगा उसके लिए छोटे वाला ही हम प्रिजर्व करेंगे। अब 2090 में से हम माइनस करेंगे 1632, जब हमने माइनस किया हमारा आंसर आ जाएगा 458। सो जो खाली पड़ा है उसमें आपको लिख देना है 458। आगे है सेवन्थ, अ कारपेट फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 16,453 कारपेट्स वन ईयर, इट मैन्युफैक्चर्ड 1,243 मोर देन दैट इन द फॉलोइंग ईयर, हाउ मैनी कारपेट्स डिड इट मैन्युफैक्चर इन बोथ द ईयर्स टुगेदर। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर्स है जैसे कि 16,453 है, अब उसमें 1,243 उसने नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा वो किए बनाए, सो इसके लिए हम जो नीचे वाले हैं येलो और ये ग्रीन वाला उसे में सबसे जो बड़ा है उसमें ग्रीन वाला बड़ा है, सो उसमें लिख देना 16,453 जो नॉर्मल उनकी इस एक साल हुई थी, एंड अगले साल उन्होंने 1,243 जो किए थे उसको येलो वाले में लिखकर इन दोनों को प्लस कर देना है जो कि आ जाएगा 17,696। अब ये आने के बाद आपको क्या करना है, जो 17,696 आया था उसे प्लस कर देना 16,453। अब ये प्लस इसलिए किया है क्योंकि हमसे ऐसे पूछा गया है कि ये दोनों सालों के मिलकर कितने इन टोटल ये कारपेट्स थे, सो 17,696 प्लस 16,553 हो जाएगा 34,149। सो आज की वीडियो का इतना ही, मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।